Hello everyone, today we are going to discuss another numerical of Environment Engineering 2 and this is fifth numerical of chapter Disposal of Sewage Effluent. Here our question is, a large stream has a reoxygenation constant of 0.4 per day. कोई एक स्ट्रीम है, एक रिवर है जिसका रीऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट है दैट इज़ 0.4 पर डे एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.85 मीटर पर सेकेंड. एंड जो उसकी वेलोसिटी है फ्लो की दैट इज़ 0.8 मीटर पर सेकेंड. एंड एट द पॉइंट एट विच ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इज डिस्चार्ज इट इज़ सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन एट 10 mg पर लीटर. अभी कोई ऑर्गेनिक जो डिस्चार्ज हो रहा है उस रिवर में, उस टाइम पे उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, सेचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट इज़ 10 mg पर लीटर. एंड डी नॉट मीन्स जो उसको कोई भी डेफिसिट नहीं है ऑक्सीजन के. बिलो द आउटफॉल द अल्टीमेट डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 20 mg पर लीटर. एंड जो हमारी स्ट्रीम है जब वो आउटफॉल पर पहुँचती है तो आउटफॉल एट द पॉइंट ऑफ आउटफॉल उसकी जो अल्टीमेट VOD है दैट इज़ 20 mg पर लीटर. एंड द डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट इज 0.2 पर डे. वॉट इज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन एट 48.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. हमें इस 48.3 किलोमीटर डिस्टेंस पे उसमें कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन रह गई होगी वो निकालनी. इनिशियली हमारी है दैट इज़ 10 mg, लेकिन उसके जो जब वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तब उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी होगी ये हमें निकालना है. बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी. स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट आफ्टर टाइम टी. मीन्स कोई टाइम टी है उसके बाद ऑक्सीजन डेफिसिट कितनी होगी वो हमें स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशन बताती है. ये हमारी इक्वेशन है. हेयर KD इज डी ऑक्सीजनेशन कोफिशेंट, KR इज रीऑक्सीडेशन कोफिशेंट, L0 जो है दैट इज़ अल्टीमेट VOD ऑफ मिक्स, D0 इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट मीन्स इनिशियली कितनी ऑक्सीजन की कमी है, एंड DT डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट आफ्टर टाइम T. सो दिस इज आर स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशन जो हमें बताती है कि किसी टाइम T पे ऑक्सीजन जो डेफिसिट है वो कितना होगा हमारी किसी भी रिवर में या किसी भी स्ट्रीम में. नाउ हमें गिवन क्या क्या है, KR हमें गिवन है रिवर का, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है वो दे रखा है, सेचुरेशन DO दे रखी है मीन्स इनिशियली जो DO है डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो दे रखी है, D0 मीन्स कोई इनिशियली कितने डेफिसिट है डिजॉल्व ऑक्सीजन में वो दे रखा है जो कि 0 है, कोई भी डेफिसिट नहीं है. अल्टीमेट BOD दे रखी है, अल्टीमेट BOD ऑफ मिक्स दे रखी है हमें मीन्स जब उसमें पोल्यूटेंट या सीवेज मिल जाता है उसके बाद क्या BOD होती है डैट इज़ 20 mg पर लीटर. KD की वैल्यू दे रखी है एंड डिस्टेंस हमें दे रखी है 48.3 किलोमीटर जिसपे हमें निकालना है कि इतना चलने के बाद जो हमारी रिवर है उसमें ऑक्सीजन की कितनी कमी हो जाएगी. सॉरी हमें निकालना है कि 48.3 किलोमीटर चलने के बाद हमारे जो रिवर है उसमें कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन बचेगी. नाउ इसके लिए हम पहले निकाल लेते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एट 48.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज गिवन बिलो. मीन्स हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितनी देर में वहाँ तक हम पहुँचेंगे. सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस हमें दे रखी है 48.3, इसको हम ये किलोमीटर में दे रखी तो हमने मीटर में चेंज कर लिया. नाउ वेलोसिटी हमें दे रखी है मीटर पर सेकेंड में. देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 56,823.5 सेकेंड्स. इसको हम डेज में कन्वर्ट कर लेंगे. इसको डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा 24 × 60 × 60 से. नाउ हमने अभी जो इक्वेशन पढ़ी थी दैट इज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट आफ्टर टाइम टी वो हम लगाएंगे यहाँ पे. जो हमें टाइम टी है वो अब हमें मिल गया है दैट इज़ 0.6577. हमें इतने टाइम के बाद जो ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाएगी वो निकालनी है. तो उसके लिए हम स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशन लगाएंगे.
इस इक्वेशन में हमें सब कुछ दे रखा है, लाइक के डी की वैल्यू हमें पता है, एल नॉट, सॉरी दिस इज एल नॉट, अल्टीमेट बी ओ डी ऑफ मिक्स भी हमें पता है, डेट इज़ 20, के आर पता है, एंड टी दैट इज़ 0.6577, डी नॉट मीन्स इनिशियली ऑक्सीजन कितनी डेफिसिट थी, ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, जो कि हमें दे रखा है 0, कुछ नहीं थी, तो ये हमारा पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। आफ्टर पुटिंग ऑल दी वैल्यूज वी गेट 3.85 mg/L, मीन्स इतनी ऑक्सीजन डेफिसिट है, मीन्स इतनी ऑक्सीजन की कमी है। अब हमें निकालना है कि इस डिस्टेंस पे जो 48.3 डिस्टेंस पे, उस पर कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, DO निकालनी है, DO एट 48.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम निकालनी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो इनिशियली थी कितनी ऑक्सीजन थी उसको उसमें से हम DT माइनस कर देंगे, इनिशियली हमारी 10 थी एंड नाउ कितनी कम हो गई, दैट इज़ 3.85, इसको माइनस करेंगे देन वी गेट 6.15 mg/L, ये हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी एट डिस्टेंस 48.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। थैंक यू।